हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और इस बार भी मैं आपकी जबरदस्त डिमांड पर अंडर द डोम सीजन 3 के आगे के एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं पॉज करके इसके पिछले पार्ट्स को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं चीकू, लॉर्ड, एम्मा और मैनेस को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे चैनल का मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको भी मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो आप भी मुझे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते सीजन 3 के शॉर्ट रिकैप से। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिम एग को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इससे पहले ही एग में कैद अननोन लाइफ फोर्स उनके बॉडी में ट्रांसफर हो गए और आगे रिवील होता है कि उस अननोन लाइफ फोर्स की क्वीन क्रिस्टीन को पोजेस कर लेती है, जब एग की खोज में उसने उसे हाथ लगाया और जिसके तुरंत बाद एग ने क्रिस्टीन के साथ ईवा को भी निगल लिया और अंत में टाउन को भी विशाल डोम में घेर लिया। कुकून से निकलने के बाद टाउन के लोग क्रिस्टीन के कंट्रोल में पेश आने लगे, सिवाय जूलिया और जिम के, क्योंकि लकीली सीजन 2 के एंडिंग में वो ककून में कैद होने से बच गए और जोई भी, क्योंकि उसने शुरुआत से मूव ऑन करने से इनकार कर दिया और खास करके ककून के कैद से छूटने के बाद वो क्रिस्टीन के हाथ नहीं लगा। और सीजन 3 एपिसोड 3 के एंडिंग में टाउन के लोग अजीब कारण से चांद की तरफ घूरते वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तो आप चलते हैं इसके आगे की कहानी की तरफ। अगली सुबह बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस्टीन के प्लान और वो लोगों को कैसे अपने कंट्रोल में बनाए रखती है का सीक्रेट रिकॉर्ड करती है। दरअसल क्रिस्टीन इसलिए सभी को अपने कंट्रोल और उन्हें अपने पिछले घटे इंसिडेंट से उभरने के लिए इतना पुश कर रही थी, क्योंकि जिनके भी शरीर में वो अननोन लाइफ फोर्स इन्फ्यूज हुआ है उन्हें उस पोजेस शरीर पर कंट्रोल पाने के लिए उसके ह्यूमन इमोशन को शांत करना जरूरी है। इसीलिए कोकून में एंटर करने पर वो ग्लूड लाइक सब्सटेंस दरअसल मूड रेगुलेटर कॉल्ड ऑक्सीटोसिन केमिकल था, कोकून में कैद के दौरान उनके ट्रू इमोशंस को चेक में रखने के लिए। इसीलिए अल्टरनेट वर्ल्ड में जब जोई एंजी को खोने के गम से और सैम भी जब तक उसे जोई से माफी नहीं मिल जाती कि गिल्ट में मूव ऑन नहीं करता, क्रिस्टीन हाथ धोकर उनके पीछे सुलह करने की कोशिश में लग जाती है। और जब बार्बी भी अल्टरनेट वर्ल्ड में निकलने के बाद जूलिया और इवा के बीच किसे चुनने के कंफ्यूजन में फंस जाता है, तब इसी कारण से क्रिस्टीन परेशान दिखाई देने लगती है। पर लकीली आगे इवा और बार्बी में नजदीकियां फिर से बनने लगती है। पर आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है कि इवा और बार्बी की जोड़ी बने और उसका अल्टीमेट एम क्या है, ये आगे के एपिसोड में क्लियर होगा। वहीं टाउन के लोग और भी अजीब बिहेव करने लगते हैं, जैसे जेम्स की तरह वो बीच बीच में अनजान कारण से विसल करने लगते हैं। अब सैम की एक पेशेंट एबी जो डिप्रेशन से गुजर रही थी उसका उनका काउंसलिंग ग्रुप मिस करने पर वो क्रिस्टीन के कहने पर उसके घर चेक करने आता है। लकीली वो एन मौके पर पहुंचता है क्योंकि वो डिप्रेशन में आत्महत्या करने वाली थी, पर सैम उसे काफी कंसोल करता है और इवेंचुअली दोनों को एक दूसरे की कहानी एक तरह से महसूस होती है और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बनने लगती है। यहाँ ये दोनों अपने एंजॉयमेंट के मोमेंट में दोनों के बातों से अब ऑडियंस को क्रिस्टीन के कंट्रोल का रिएक्शन क्लियर समझ आता है कि दोनों ने पिछले रात बिना सोए चांद को घूरते समय बिताया और उन्हें कोई थकावट या नींद की जरूरत भी महसूस नहीं हुई, मानो चांद को देखने से उन्हें किसी तरह की एनर्जी मिली थी। पर आगे अंटर के बार बार उस पर चांस मारने के अटेम्प्ट से वो गुस्से में चली जाती है और दिन ढलने पर जब वो जोई से मिलती है तब जोई के किसी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और हमेशा की तरह अपनी किस्मत पर रोने लगती है और जैसे जो के लिए उसके इमोशंस लौटने लगते हैं और चमत्कार तरीके से नॉरी क्रिस्टीन के कंट्रोल से छूट जाती है। पर ये एग्जैक्टली हुआ कैसे दोनों को कुछ समझ नहीं आता। वहीं जेम्स क्रिस्टीन के कंट्रोल में कठपुतली के तरह उसके साथ गुफा पहुंचता है जहां क्रिस्टीन उसे वही ऑक्सीटोसिन चटाती है जिसके कारण वो और भी क्रिस्टीन के पीछे कायल हो जाता है और क्रिस्टीन जेम्स के साथ मेट करने लगती है, जिसके आखिर में पहली बार हमें एज एन ऑडियंस उस अननोन लाइफ फोर्स स्पीसीज का चेहरा रिफ्लेक्शन के थ्रू नजर आता है। वहीं जिम को क्रिस्टीन का असलियत समझने पर अब वो उस पर नजर बनाए रखने लगता है, जो ज्यादा करके जॉगिंग के लिए टाउन के बर्ड आइलैंड नजर आती है। पर तभी उसे एक्टियन के लोग अगवा कर लेते हैं, जो थैंक्स टू डॉन उन्हें अब डोम के अंदर आने का तरीका का पता चल जाता है। वो लोग सबसे पहले उस पर टेस्ट परफॉर्म करने लगते हैं कि कहीं वो भी एग के इफेक्ट से अफेक्टेड तो नहीं, यानी कि एक्टियन को पहले से पता है एग के इन्फेक्शन का असर। पर आखिर कैसे, ये सून रिवील होगा। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं एग का पता बताने के लिए, पर सिंस
उसी ने एक को नष्ट कर दिया, वो उन्हें सच नहीं बता सकता वरना वो उसकी जान ले लेंगे। पर अंत में वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। भागते भागते अब रात हो जाती है और उनके हाथ आने ही वाला होता है कि जूलिया उसे ऐन मौके पर बचा लेती है। और अगले दिन जब जिम जूलिया से क्रिस्टीन का वो क्लिप शेयर करने बढ़ता है, सरप्राइजिंगली कैमरा अपने जगह से गायब होता है, जिसका शक सीधे एक्टियन कंपनी के तरफ जाता है क्योंकि काफी समय से उनकी नजर उसी पर थी। दोनों अब मजबूरी में टीम अप होकर एग के बारे में और पता करने के लिए एक्टियन के अड्डे पर छापा मारने का तय करते हैं। दोनों गार्ड्स को डिवेट करने के बाद उनके सिस्टम से उनकी क्लासिफाइड फाइल चुराने की कोशिश करते हैं, पर अंत में एक्टियन साइंटिस्ट के हाथों पकड़े जाते हैं। पर सिंस दोनों का मकसद सेम ही है एग के बारे में और जानने का, साइंटिस्ट उनसे एग का पूरा इतिहास शेयर करता है एग के जानकारी के बदले में, जबकि वो इस बात से अनजान है कि जिम ने कब का एग को नष्ट कर दिया है। साइंटिस्ट से उन्हें और ऑडियंस को कुछ नई जानकारी का पता चलता है कि एग से जनरेटेड एनर्जी अपने तरह का एक एनर्जी है क्योंकि वो ना तो प्रदूषण और ना ही रेडियो एक्टिव है, जिसे अगर इंसानों ने हार्नेस किया तो ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा डिस्कवरी साबित होगा। पर उन्हें सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब साइंटिस्ट ये भी रिवील करता है कि जिन साइंटिस्ट ने अलास्का में मिले एग के टुकड़ों पर रिसर्च करने के इरादे से उसे अनजाने में छुआ था, उन्हें कुछ हो सा गया और वो बिना कुछ सवाल किए उनमें से एक लीडर को फॉलो करते हुए अपनी जान दे दी। बाद में उनके शरीर का पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि उनके शरीर में कई ऐसे सेल्स पाए गए जो इंसान की सोच से बिल्कुल परे निकली, यानी कि इस केस में वो लीडर और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही है और क्या पता वो उनसे क्या कराना चाहती है। अब इससे पहले कि दोनों एस्केप करे, वो जिम को एज लिवरेज कैद में रख लेते हैं, वहीं जूलिया को छोड़ देते क्रिस्टीन को उनके पास लाने के लिए। अब यहाँ ऑल्दो ईवा के शरीर में भी वो अननोन स्पीसीज क्रॉल कर रहे हैं, उसका प्यार बार्बी के लिए सच्चा होता है, इसीलिए वो क्रिस्टीन के अगेंस्ट बार्बी को उनके बारे में सब सच बताने की धमकी देती है। पर क्रिस्टीन उसे बहाने से गुफा ले आती है और अब उससे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि अल्टरनेट रियलिटी में जो प्रेगनेंसी उसने फील किया था वो दरअसल सच था। फर्क बस इतना है कि उसके पेट में वही अननोन लाइफ फॉर्म डेवलप हो रहा है जिसे फर्टिलाइज करने के लिए उसे बार्बी से मेट करना होगा। ईवा एकदम शॉक उसका साथ देने से मना कर देती है, पर क्रिस्टीन जेम्स के मदद से उसे भी ऑक्सीटोसिन का डोज देने में सफल हो जाती है, जिसके कारण वो भी अननोन लाइफ फॉर्म में बदल जाती है। और क्रिस्टीन का जेम्स से मेट करने पर जेम्स के भी शरीर में वही लाइफ फॉर्म डेवलप होना शुरू हो जाता है, पर तभी वो क्रिस्टल्स अचानक से फ्लिकर करने लगते हैं और डर के मारे क्रिस्टीन बड़बड़ाने लगती है कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। पर आखिर वो ऐसा क्यों कहती है हमें आगे समझेगा। अब अपने अगले रास्ते का कांटा एबी को रास्ते से हटाने के लिए वो उसे इमोशन और गिल्ट से भरकर सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है, ताकि सैम का अटेंशन एबी से हटकर उस पर पड़े और वो उसे अपने कंट्रोल में ला सके। अपने अगले टारगेट जो और नोरी, जिन्होंने उसका काउंसलिंग ग्रुप छोड़ दिया, वो हंटर को उन्हें टाउन हॉल लाने का ऑर्डर देती है क्योंकि उसके दिमाग में जोई के लिए कुछ खास काम है। पर इस पूरे भगदड़ी में हंटर छत से गिरकर पैरालाइज हो जाता है और बेवकूफों की तरह नोरी पर झूठा इल्जाम लगाने लगता है। हैरानी की बात कि सभी ये जानने के बाद उन्हें ऐसे घूरने लगते मानो उन्होंने कोई पाप कर दिया हो और अंत में उन्हें कैद कर देते हैं। पर अब जूलिया स्मार्टली क्रिस्टीन के चेलों से छिपते छिपाते क्रिस्टीन को गन पॉइंट पर उसे एक्टियन के हवाले कर देती है, जहां जिम भी अब भी कैद होता है, जो खुद अंत में उनसे एग को नष्ट करने के बारे में सब रिवील कर देता है। और आगे दिन ढलने पर ईवा की नजर भी टाउन के लोगों की तरह चांद की तरफ अटक जाती है, यानी कि पोजेस्ड अननोन लाइफ फोर्स ने उसके शरीर में असर दिखाना शुरू कर दिया। अब तक हमने देखा कि टाउन के सभी लोग जेम्स और ईवा की तरह अब अलग ही स्पीसीज में बदल गए, सिवाय बार्बी, सैम, नोरी और जो के जो अब भी उस अननोन स्पीसीज को रेजिस्ट करने में सफल रहे। पर किडनैप होने से पहले क्रिस्टीन ने पहले ही धीरे धीरे जूलिया के अगेंस्ट बार्बी के दिमाग में फूट पैदा करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी जूलिया से दूरी और ईवा से नजदीकियां बढ़ते गई। पूरा टाउन अब क्रिस्टीन के ऑर्डर के अनुसार टाउन हॉल में सेटल हो जाती है, ताकि वो उनके प्रोग्रेस पर ध्यान दे सके। पर वो सभी इस बात से अनजान कि उनकी लीडर अब एक्टियन के कैद में है। जूलिया क्रिस्टीन को एक्टियन के हवाले करने के बाद जब लौटती है, उसे पूरा स्ट्रीट एम्प्टी, टाउन के सभी लोग क्रिस्टीन के ऑफिस के सामने उसी तरह विसिल करते नजर आते हैं जैसे जेम्स और कुछ लोगों ने पहले किया था। वो पुतलों की तरह लीडर के अगले इंस्ट्रक्शन के इंतजार में वहीं जमे रहते हैं, यानी कि साइंटिस्ट का वो क्लेम कि फॉलोअर्स लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। वो तुरंत क्रिस्टीन का ऑफिस सर्च करती है किसी भी खास जानकारी का पता लगाने के लिए और उसे एक पेपर पर कोई अजीब स्कीमा बना मिलता है और लकीली उसे उसका रिकॉर्डर भी मिल जाता है। पर तब तक ईवा और जेम्स आ जाते हैं और जूलिया को छिपना पड़ता है, पर उनकी सीक्रेट बात उसे पता चलता है कि वो लोग हंटर को मारने के फिराक में हैं, क्योंकि उनके अनुसार क्रिपल की उन्हें जरूरत नहीं। इससे ये रिवील होता है कि उन्हें एक तंदुरुस्त
इंसान की जरूरत है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, पर वो मिशन क्या है हमें आगे रिवील होगा। पर क्रिस्टीन के कंट्रोल में जेम्स और सभी बंदी बनाए नॉरी और जेम पर सख्ती से पेश आने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्रिस्टीन के ऑर्डर पर नहीं चल रहे, जिसका विरुद्ध करने पर वो जूलिया को भी कैद कर देते हैं। पर जोई स्मार्टली उन्हें फूल करने में सफल हो जाता है कि वो किनशिप के भले के लिए काम करने के लिए तैयार है, और इस तरह वो मौका देखकर जूलिया को भागने में मदद करता है। वहीं इतने देर से क्रिस्टीन का गायब होने का समझने पर बार्बी को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे किनशिप के एक मेंबर से पता चलता है कि वो यूजुअली जॉगिंग के लिए बर्ड आइलैंड जाया करती थी। जब बार्बी उसके सर्च में वहां तलाश करता है, उसे एक्टियों के लोग नजर आते हैं, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि क्रिस्टीन के गायब होने का कारण वही होंगे। बार्बी अब तुरंत जेम्स के साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन पर लग जाता है, और यहां जिम और साइंटिस्ट के कॉन्वर्सेशन के दौरान ऑडियंस को अब एक्चुअल फुटेज से पता चलता है कि कैसे एग ने क्रिस्टीन और फिर एवा को निगल लिया, और उनकी न्यू क्वीन क्रिस्टीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एग के इर्द गिर्द एक छोटा डोम तैयार हुआ, और टाउन को भी एक विशाल डोम ने उसी पल घेर लिया। ये फुटेज इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एक्टियन की नजर सैटेलाइट के जरिए उन पर हमेशा से बनी हुई थी। सिंस अब पता लगने पर कि एग नहीं रहा, वो जिम से सौदा करते हैं उनके मिशन के बारे में पता लगाने का। जिम पूरी कोशिश करता है क्रिस्टीन से उनके मिशन के बारे में पता करने का, पर वो स्मार्ट निकलती है, इसलिए अंत में साइंटिस्ट के साथ मिलकर फेक आजाद होकर भागने का एक्टिंग करता है, जिसे देख क्रिस्टीन उसे भी ले चलने की विनती करती है, इन एक्सचेंज की वो उसे उनके मोटिव और एग के मिस्ट्री के बारे में रिवील करेगी। और अब फाइनली आफ्टर 2 seasons हमें एग के मोटिव का प्लान के बारे में क्लियर होता है, और ये एपिसोड यही एंड हो जाती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको सच में पसंद आ गई तो आप मुझे सब्सक्राइब या ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।